नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। पंचांग के अनुसार आज 31 अक्टूबर 2021 रविवार को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की दशमी की तिथि है। शनिवार को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे थे। आज भी मगा नक्षत्र रहेगा। आज का दिन जॉब, करियर और बिजनेस आदि के लिए कैसा रहेगा, तो आइए आपको बताते हैं मेष से मीन राशि तक का राशिफल। सबसे पहले हम बात करें मेष राशि की। आज के दिन हो सकता है सिंह से जुड़ी परेशानियां असहजता का कारण बन जाए। ऐसे में कार्य भी बाधित हो सकते हैं। ऑफिस के महत्वपूर्ण फाइल को संभाल कर रखें, आपसे मिसप्लेस हो सकती है। ग्रहों की स्थितियां कार्यों में भार बढ़ाने वाली है। व्यापारियों को वर्तमान समय में लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही सरकारी नियमों का भी पालन करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को अलर्ट हो जाना चाहिए। लगातार ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है। मित्रों की बातों को गंभीरता से समझें, उनकी बातों को अनदेखा करना ठीक नहीं है। वृषभ राशि। आज के दिन घर के सभी छोटे मोटे कार्यों को निपटाते हुए पिछले पेंडिंग कार्य को भी खत्म करने में फोकस करना चाहिए। कर्म क्षेत्र में ज्ञान के आसपास रहना चाहिए। यदि कोई आपको उचित मार्गदर्शन करता है तो संदेह नहीं करना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कारोबार करने वालों को लाभ होता दिखाई दे रहा है। युवाओं को ऐसे कोर्स की तलाश करनी होगी जिनके जरिए प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का मौका मिले। स्वास्थ्य में गरिष्ठ भोजन में दूरी बनाकर रखना होगा। संतान को यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो उसका समाधान भी आपको ही निकाल कर देना होगा। घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। मिथुन राशि। आज के दिन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर आपको फिट रखेगी। ऑफिशियल कार्य को पूर्ण करने में कोई कठिनाई आती है तो आज खुद को अपडेट करते हुए कमियों को दूर करना होगा। जो लोग स्टेशनरी से संबंधित कारोबार करते हैं उनको व्यापार से संबंधित आर्थिक हानि होने की आशंका है। युवाओं को अनावश्यक चिंता से दूर रहना चाहिए, नहीं तो समय और स्वास्थ्य दोनों खराब होगा। गले में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें, छोटी सी भी परेशानी को नज़रअंदाज ना करें। घर के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करते हुए प्रफुल्लित वातावरण में रहना आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि। आज के दिन वरिष्ठों के साथ संसदीय भाषा में बात करना आपको मुश्किलों में डाल सकता है, तो वही दूसरी ओर वाद विवादों से भी दूर रहना चाहिए। ऑफिस में किसी को मदद के तौर पर उधार देना पड़ सकता है। कोशिश करें कि वे निराश ना होने पाए। व्यापारियों को अधिक मात्रा में माल डंप नहीं करना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में निराशा हाथ लग सकती है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। स्वास्थ्य में जिन लोगों को स्टोन से संबंधित रोग है और उसका समाधान सिर्फ ऑपरेशन है, तो डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। संतान के गलत व्यवहार पर उसे प्रेम से समझाएं। सिंह राशि। आज के दिन की शुरुआत सूर्य की पूजा अर्चना व जलाभिषेक से करें, जिससे सभी कष्टों का निवारण होगा। कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पास से कई ऐसे कार्यों की लिस्ट आ सकती है जो बेमन से करना पड़े और जिसको लेकर मन भी खिन्न रहे। व्यापारी वर्ग के लिए दिन शुभ है। जो लोग खाद्य सामग्री व शिक्षा क्षेत्र से संबंधित व्यापार करते हैं उनको अधिक लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। सेहत में पुराने रोगों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। ननिहाल की ओर से आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। विवाह योग्य लोगों के विवाह के बाद जोर पकड़ सकते हैं। कन्या राशि। आज के दिन अत्यधिक आराम प्राप्त करने की इच्छा आपको निराश करेगी। पर्सनल लोन लेने वाले इच्छुक लोगों को भी अभी रुकना चाहिए। यदि आप आजीविका के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं उनको प्रयास जारी रखें। फिर व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए, जिससे व्यापार में लाभ के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। युवाओं को दूसरों के बहकावे में न आने से बचना होगा। हेल्थ में मधुमेह रोगियों को आज के दिन अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करना जरूरी है, तभी आप जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा पाएंगे। तुला राशि। आज के दिन मेहनत का 100% परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। शुभ कार्यों की शुरुआत प्रभु के दर्शन से करें। ऑफिस में बॉस या सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही ऑफिशियल कार्यों को और अच्छे से करने के लिए वह आपको नई नई टिप्स भी बता सकते हैं। लोहे से संबंधित व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हाथ लगने की संभावना दिखाई दे रही है। युवाओं को शुभ समाचार प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में क्षयरोग के प्रति अलर्ट रहे। यदि कई दिनों से किसी बीमारी के चलते परेशान चल रहे हैं तो आज सचेत रहे। पारिवारिक मुद्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि। आज के दिन निर्णय लेते समय कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। ऐसे में संभव हो तो कल के लिए छोड़ देना चाहिए। खर्चों पर अंकुश लगाएं, अन्यथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ऑफिस में स्थितियां सामान्य रहने वाली है, लेकिन कार्य का माहौल बनाकर रखना होगा। थोक का व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा होने की संभावना है और अनाज के बिजनेस में बड़े स्टॉक रखना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य में धारदार चीज़ों से चोट लगने की आशंका बनी हुई है और इस सचेत रहे। अभिभावक छोटे बच्चों पर ध्यान दें। नकारात्मक स्थितियां रोग की चपेट में ले सकती है। बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त होगा। धनुराशि, आज के दिन अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से ज़्यादा स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए। ग्रह की स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रही है, जिसके बल पर ऑफिशियल कार्यों को पूर्ण करने में सफल होंगे। वही सेल्स से जुड़े लोगों को भी टारगेट पूरा करने पर ध्यान देना होगा। व्यापारियों को धन लॉस के प्रति अलर्ट रहना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बदन दर्द व कमर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सर्वाइकल के मरीज विशेषकर सजग रहे। परिवार में सभी लोगों के लिए उपहार लाना बहुत शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त जीवन साथी को प्रसन्न रखना भी अति आवश्यक है। मकर राशि, आज के दिन उत्साहित रहेंगे, वही कार्यों में भी केंद्रित होते नजर आएंगे। धन दान धर्म के कार्यों में पीछे न हटे, क्षमता अनुसार जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। ऑफिशियल कार्यों के विस्तार के लिए दिन महत्वपूर्ण है। अपने बॉस या उच्च अधिकारी को निराश न करें। व्यापारी वर्ग ग्राहकों से पैसे को लेकर वाद विवाद करने से बचें। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है। हेल्थ में जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, उनको आज इस और सचेत रहने की सलाह दी जा रही है। परिवार में आपको एक मध्यस्थ कराने वाले दूत का दायित्व निभाना पड़ सकता है। अपनों के दुख दर्द और दूर करने के लिए उनसे बातचीत करना जरूरी है। कुंभ राशि, आज के दिन थोड़ा नियमबंद रहना होगा। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा करना आपके नेटवर्क को मजबूत कर सकता है। ऑफिस के कार्यों को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बॉस या उच्च अधिकारी से सलाह कर लेना उत्तम रहेगा। व्यापारियों को नया स्टॉक लेना चाहिए, इससे भविष्य में लाभ होने की संभावनाएं हैं। सेहत को लेकर आज रक्तचाप के रोगियों को सावधान रहना होगा। माता पिता के अनुशासन को बंधन समझना गलत होगा। मित्रों के साथ बनाकर रखना है। यदि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर की है तो उसे अपने तक ही रखें, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है। आखिरी में हम बात करें मीन राशि की, तो बता दें कि आज के दिन सुख सुविधाओं के लिए कर्ज लेना भारी पड़ सकता है। नौकरी के संदर्भ में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ऑफिशियल कार्य में अधीनस्थ मदद करेंगे, जिससे बड़े प्रोजेक्ट पूर्ण होते नजर आ रहे हैं। साज सज्जा से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए दिन लाभकारी सिद्ध होने वाला है। हेल्थ के मामले में उन लोगों को सचेत रहना है जिनका गंभीर बीमारी के चलते इलाज चल रहा है। बड़े भाई का सम्मान करें, यदि उसका जन्मदिन है तो उपहार भी दे। तो वही दूसरे और छोटे भाई बहनों की संगत पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो उनकी संगत बिगड़ सकती है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।